प्रताप सिंह और आप है हेलो इंडिया ब्लॉग के साथ। गाइस काफ़ी समय के बाद मैं घूम रहा था फिर रहा था, कभी अच्छा नहीं घूमने को मिल रहा था। इस बार जो है हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और जो मंदिर है वो है गलतेश्वर। यहाँ से लमसम मेरे पास से तो 45 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेलवे स्टेशन से पकड़ रहे हैं तो आपको 50 पड़ जाएगा पूरा। और इसके लिए पहले मैंने कमरेज के लिए टिकट लिया है, ये टिकट मुझे 70 रुपये मिली है। और आप भी BRTS का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको आधे रास्ते तक टिकट में पहुँचा देगी। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके जा सकते हैं। अगर आपके पास खुद की बाइक है, गाड़ी है, तो आपको और ही सस्ता पड़ जाएगा वहाँ तक घूमने में, जाने में। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं इस बार, ये खासकर मेरे विशाल भाई जो कि मेरे कैमरा मैन बनने वाले हैं, मेरी हेल्प करेंगे वीडियो बनाने में। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, बस चलते हैं देखते हैं कैसा है मंदिर। तो हमें यहाँ से निकल चुके हैं, हमारा लास्ट स्टेशन था। अब हमें यहाँ से ऑटो रिक्शा सफ़र करने की, क्योंकि सूरत में अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये लास्ट कामरेज तक ही बस जाती है। अब इसके आगे हम अपने सफ़र ऑटो रिक्शा से करेंगे। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इन्जॉय इन्जॉय है। तो हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे, तो आपको बता दें अब ऑटो रिक्शा आपको कहाँ से मिलेगा। चलिए चलते देखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, चलिए देखते हैं। पकड़ लिया है और ये कांवरिया जब आप पुल पार करोगे तो वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। तो हम 5 लोग थे तो 50-50 रुपये लिए। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है अगर शॉर्टकट जाते हैं, और अगर रॉन्ग रूट जो नॉर्मली रूट है अगर वहाँ से जाते हैं तो 23 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने शॉर्टकट ही यूज़ किया है। और ये भाई हैं, देख सकते हैं आप, ये भाई हमें लेके जा रहे हैं, 50 रुपये भाड़ा है। अगर आप कभी यहाँ आएँ और जाना चाहें तो भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप इनसे कॉल करके इनका रिक्शा बुक करके आप जा सकते हैं आराम से, कोई भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो सफ़र यू इन्जॉय करते हैं, खाली 5-10 मिनट का और रास्ता है, देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं। आ चुके हैं मंदिर के अंदर समय, तो हम लोगों ने शॉर्टकट यूज़ किया था, थोड़ा जल्दी आ गए। बाकी नॉर्मली अपने रास्ते से आते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और तो मैं अभी चप्पल उतार रहा हूँ, तो चप्पल उतार के आगे मंदिर के पास जाएंगे। तो हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ बाबा, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो हम मंदिर घूमते हैं, आप भी साथ में घूमिए, इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी उतना इन्जॉय कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूँ। खासकर तो ये मुझे बजाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आवाज़ बढ़ती है, शायद मेरी आवाज़ अब तक पहुँच भी नहीं, लेकिन अब तो पहुँचती होगी। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं पीछे मेरे, जो आप देख रहे हैं ये नदी है, ताप्ती नदी है, जस्ट मंदिर के बाजू में पड़ती है किनारे। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है, मैंने देखा था वीडियो में और पढ़ा भी था इसके बारे में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और देखते आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम लोग नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, लमसम 50-60 सीढ़ियाँ, तो वो उतरे हैं ऊपर से नीचे के लिए, क्योंकि अब ताप्ती नदी के पास हम लोग जा रहे हैं। तो ताप्ती नदी के उस तरफ तो जाना मज़ा है, देखिए आप ग्रिल लगा हुआ है, तो ताप्ती नदी के उस पार तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो स्विमिंग पूल बना है जिसके हमने 50 रुपएंगे इन्जॉय करेंगे उसमें, और क्या क्या घूमने के लिए देखने के लिए है और देखते हैं। वैसे तो मेरा स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, तो हम लोग स्विमिंग पूल में आ गए हैं, यहाँ फ़ोटो खींचेंगे, इन्जॉय करेंगे, और आप लोग जरूर आइए। हम लोग आप 10 बजे ही निकलिए, तो 6 बजे लमसम 6 बजे पहले आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलता है और कोई जगह भी नहीं मिलती। अगर आप खुद अपना वाहन लेके आ रहे तो कोई टेंशन नहीं है आप, और आप अच्छे से आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे नहाते यहाँ। तो जो स्विमिंग पूल है इसका 50 रुपये भाड़ा है, मैं वहाँ से आपको जैसे कि मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, मैं बहुत यहाँ घूमा, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, जैसे मैं आपको बताया वहाँ से एक इंसान का 50 रुपये टिकट है, और आपको टाइम के हिसाब से ही आना है, उसके पहले आप आएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में जाते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम की चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ आपने देखा ये स्विमिंग पूल, काफ़ी लोग यहाँ इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मैंने भी खूब नहाया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हमारा क्या भाड़े का है, इसलिए हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो हम लोग अब जाने वाले हैं, 5-6 मिनट और मुश्किल से नहाएंगे, तो आप जाने वाले, तो आप इसके लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना जरूर, और कमेंट में लिख के बताएं वीडियो कैसी लगी, और कहाँ सूरत में घूमने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको घुमाऊंगा यहाँ पे। पीछे शंकर जी भगवान की मूर्ति बड़ी वहाँ पे है। तो हम लोग आ चुके हैं दरवाजे के बाहर, हम वापस जा रहे हैं, भूख लगी थी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, 10 रुपये का एक भंगड़ा ही ले लिया है, अब इसे खाऊंगा, इन्जॉय करूंगा थोड़ा जितना मिटेगा, उसके बाद सूरत में जाके खाऊंगा। यहाँ का जो मटेरियल है वो बहुत महंगा है यार, तो अगर आप घर से आते हैं तो अपना खुद का लेके आएँ, यहाँ बैठ कर आराम से खाएँ, इन्जॉय करें। चलिए तब तक के लिए चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में, लेता हूँ अलविदा, जय हिंद जय भारत।